दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रीम इलेवन में ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं और ड्रीम इलेवन में जीते हुए पैसे को अपने अकाउंट में कैसे भेजते हैं। सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ड्रीम इलेवन ऐप ओपन करना है, उसके बाद फ़ोटो वाले आइकन पर क्लिक करना है और विथड्रॉल्स पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपको गेट वेरीफाइड का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा जो कि वेरीफाइड होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ईमेल डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना है। पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करना है। इतना करते ही वेरीफाई पैन कार्ड का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर नाम डालना है जैसे पैन कार्ड पर है। यहाँ पर 10 अंक का पैन नंबर डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड पर है। उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए अपलोड पैन प्रूफ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। इतना करते ही फ़ोटो का गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके पैन कार्ड का रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने में मैक्सिमम 1 दिन लग सकता है। अब आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करना है। इतना करते ही वेरीफाई बैंक अकाउंट का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड 11 अंक का डालना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे, नीचे आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पासबुक का फ़ोटो अपलोड करना है। पासबुक का फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड बैंक प्रूफ पर क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद पासबुक का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमारे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का रिव्यू किया जा रहा है। अब जब हमारा पैन कार्ड और बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ और कितने देर बाद वेरीफाइड हुआ है ये भी बताऊँगा। A few moments later. तो दोस्तों लगभग मैंने 15 मिनट बाद ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन किया और फोटो के आइकन पर क्लिक किया, विथड्रॉल्स पर क्लिक किया तो रिकन्फर्म योर पैन डिटेल्स का पेज खुलकर आ रहा है। आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लगभग 15 मिनट में वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं जीते हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भेज सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमारे ड्रीम इलेवन वॉलेट में 1505 रुपये हैं। अब मैं 1000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में भेजता हूँ। यहाँ पर मैं 1000 डाल लेता हूँ और विथड्रा नाउ पर क्लिक कर देता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म करते ही 5 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप ड्रीम इलेवन में ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं।